एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। आप जिस इंसान को भी प्यार करते हो और आप जानना चाहते हो कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी, हाँ या ना, देन ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम एक कार्ड भी इंक्लूड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस अराउंड द करंट सिचुएशन जो आपके और आपके पर्सन के बीच में चल रहा है और कैसे आप चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। विल टेक ऑर्कल कार्ड फॉर दैट। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आपकी शादी उनसे होगी जिनको आप प्यार करते हो, हाँ या ना। और अगर शादी यू नो इनसे होती है या किसी और से होती है तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो भी जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो यप, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि क्या आपकी शादी आपके स्पेसिफिक समवन से होगी, हाँ या ना। क्या आपकी शादी आपके स्पेसिफिक समवन जिसको आप प्यार करते हो उससे होगी, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। Nine of Cups, Seven of Swords, Three of Cups, Knight of Cups. अच्छा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लाइक अगर मैं कहूँ 80% चांसेस हैं तो दैट वुड बी परफेक्टली फाइन। क्योंकि देखो, इसमें मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार काफ़ी करना पड़ेगा, काफ़ी दफ़ा आपका ब्रेकअप पैचअप होगा और तब जाके ही आपकी और आपके पर्सन के बीच में जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी और शादी की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। नाउ जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में रहती है, काफ़ी हद तक आपको उससे पॉजिटिवली डील करना होगा। प्यार का एक्सप्रेशन आपके पर्सन की तरफ से तब आएगा जब आप चीज़ों को लाइट हार्टेड लेके चलोगे। जहाँ पे आपने ऑब्सेशन शो किया या यू नो वरिड हुए कि क्या ये होगा, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, नेगेटिव ज़्यादा यू नो माइंड चैटर आपका चलना शुरू होगा, तो चीज़ें आपके जो है वो आपको लगेगा जैसे बड़े मज़े का कंट्रोल आपके हाथ में है। जब आप पॉजिटिव होगे, हैप्पी होगे, तो चीज़ें आपके हक में बेहतर होती चली जाएंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्सेसिंग, द मोमेंट यू स्टार्ट यू नो थिंकिंग नेगेटिव, तो आपको लगेगा कि जैसे यू नो आपकी मैनिफेस्टेशन रुक सी गई है या ख़त्म हो गई है या लेवल ज़ीरो पे आ गई है। मैनिफेस्टेशन का वर्ड मुझे कभी कभी लगता है कि शायद आई ओवर यूज़, क्योंकि अक्सर लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि आप यू नो एक एफर्ट कर रहे हो टू मैनिफेस्ट समथिंग या नहीं कर रहे। 24/7 आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यू नो 24/7 लॉ ऑफ द यूनिवर्स है, वो काम कर रहा है। जो आपके जहन में होता है वो हो जाता है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। अगर आप सोचते हो यू नो अभी अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है राइट ना, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल देने के लिए, और आप जानना चाहते हो कि क्या आपकी इससे ही शादी होगी या नहीं, तो काफ़ी हद तक जो लोग पॉजिटिव हैं ब्रेकअप के साथ भी उनकी हो जाएगी, दूसरों की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव है उनको अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी दुआ जो है वो पूरी हो जानी है। उनकी दुआएं पूरी होंगी, अगर आपने कोई वजीफे किए हुए हैं तो वो पूरे हो जाएंगे, रिचुअल्स फॉलो किए हैं वो पूरे हो जाएंगे, यकीन होगा कि हाँ ये हो जाएगा। आपको अपने प्यार पे यकीन है, आपको अपने पर्सन पे यकीन है, आपको यकीन है कि जो प्यार जो यू नो कनेक्शन आपका और आपके स्पेसिफिक का है वो उसका किसी और के साथ नहीं हो सकता, ना खुद का आपका किसी और के साथ हो सकता है। देन आप पॉजिटिव रहोगे, फिर आपको फियर नहीं आएगा कि हाँ उसकी ओहो उसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, बात नहीं हो रही, कहीं वो मूव ऑन ना कर जाए। इस तरह के फियर्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी तो नहीं हो रही है शादी, अगर आप पॉजिटिव हो। अभी बल्कि मैंने आई थिंक इंग्लिश चैनल पे एक दो रीडिंग्स थी, उसमें लोगों के कमेंट्स देख के मुझे हंसी भी आती है, मुझे गुस्सा भी आता है सोच करके यू नो आपके लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव है तो स्प्रेड तो नहीं करो उसको। एक तो पहली चीज़, सबके साथ मैच नहीं होती ये रीडिंग्स, क्योंकि फॉर हू एवर नीड्स इट ये ऐसी रीडिंग है जो कि सारे साइंस की है, 12 साइंस ये हो गए, 12 साइन में से भी जब जो साइन वाली रीडिंग्स भी होती हैं उसमें भी हर किसी के साथ तो मैच नहीं करेगी अक्सर। बल्कि मैं यू नो अगर कोई इस तरह का कमेंट पढ़ती हूँ तो आई डू यू नो टेल देम कि अगर आपके घर में जैसे मेरी फैमिली में 3 लोग एरीज हैं, अब एक एरीज की शादी हुई थी तो अगले दिन उसी दिन ही दूसरे एरीज की तो नहीं हो गई थी। अगर एक की लाइफ में ब्रेकअप हुआ होगा तो उसके यू नो दूसरे की लाइफ में तो ब्रेकअप नहीं हुआ होगा।
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एरीज, हर पाइसिस, हर स्कॉर्पियो, जो भी साइंस हैं सारे, उनकी लाइफ में अगर मैं एक चीज़ कह रही हूँ, इट्स नॉट गन हैपन फॉर एवरी वन, विच इज़ वेरी यू नो ऑब्वियस. और अगर जब मैं इस तरह के कमेंट्स पढ़ती हूँ, इट रियली काइंड ऑफ यू नो अनॉय मी. और ऊपर से मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, देन यू आर डूइंग समथिंग नेगेटिव, राइट? तो उसको अंडरस्टैंड करने के बजाय आप अपनी नेगेटिविटी जब स्प्रेड करते हो, आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट वेलकम नेगेटिविटी ऑन माय चैनल. जो बेचारे लोग खुश हो रहे होते हैं या जो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं रीडिंग से गाइडेंस लेके, आप उनकी लाइफ में भी बिला वजह की अपनी नेगेटिविटी स्प्रेड करो, विच आई डोंट वेलकम एट ऑल. दूसरी एक और चीज़, सिंस मैं ये बात कर ही रही हूँ, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी कि डू दिस रीडिंग, डू दैट. जब मैं कह रही हूँ आपसे, तब आप मुझे यू नो आपके जो भी सजेशन आप दो, लेकिन अगर मैंने एक रीडिंग की है, उसके कॉमेंट सेक्शन में आई डोंट लाइक सीइंग कॉमेंट्स के इस वाले की भी रीडिंग कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुछ लोग तो ये अल्लाह का वास्ता है, फलाना ये है. आई मीन वॉट इज़ दिस, इट्स सो अनॉइंग. मैं खैर अब मैं ये कह रही हूँ कि जो भी इस तरह के कमेंट्स होते हैं, आई जस्ट कीप ब्लॉकिंग दोज पीपल आउट. सो कमिंग बैक टू द वीड, मुझे लगता है कि अगर आप उसमें से कुछ एक दो लोग हो या ज़्यादा लोग हो, बल्कि मेजॉरिटी लोग इस तरह की नेगेटिव होते हैं, और इसीलिए उनकी लाइफ में नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, या खुद के ऊपर एतमाद नहीं होता, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या तो पास्ट फेलियर्स का एक बैगेज लेके चल रहे होते हैं. तो इन दैट सिचुएशन अगर आप अपसेट होते हो जब आपका ब्रेकअप होता है या बातचीत ख़त्म होती है, देन आपकी शादी उस इंसान से नहीं होगी. उन लोगों की शादी होगी जिसको ब्रेकअप है, नहीं है, बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको यकीन है कि अल्टीमेटली जब भी ये इंसान यू नो अगर जैसे अक्सर लोग होते हैं जिनके जो पर्सन होते हैं जिनको वो लाइक करते हैं, शादी के लिए सपोज़ वो रेडी ही नहीं है अभी, वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा क्योंकि उसको शादी नहीं करनी, लड़का है या लड़की, ठीक है. इन दैट सिचुएशन होता क्या है कि अगर आपको यकीन है कि आपका पर्सन आपके पास आएगा, तो जब वो शादी के लिए प्रिपेयर होगा, तो फर्स्ट पर्सन उसके दिमाग में आएगा वो आप होगे. लेकिन वो क्यों होगे? जब आप पॉजिटिव सोच रहे होगे और अगर आपको यकीन होगा कि ऐसा होगा. अगर आप खुद ही इनडिसाइसिव होना शुरू हो जाए क्योंकि आपको वेट करना पड़ रहा है और आप सोच रहे हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे मे बी यू नो ओपन अप होना चाहिए टू मीट न्यू पीपल. जब तक आप ये हरकतें करते रहोगे जहाँ पर आप इनडिसाइसिव होकर खुद भी ओपन अप करो, तब तक ये इंसान तो मतलब फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं होगी जिसको आप प्यार करते हो, आपका उससे कुछ भी नहीं होगा. बिकॉज जैसे आप कंफ्यूज हो वैसे वो भी कंफ्यूज होगा कि ये लड़की या वो लड़की, ये लड़का या वो लड़का. सो मेक श्योर कि यू आर 100% श्योर. अगर आप उन लोगों में से हो जिसको 100% यकीन है अपने प्यार पे, अपने कनेक्शन पे, अपनी दुआओं पे, अपनी एफर्मेशंस पे, देन इट्स हैपनिंग फॉर यू. आपकी शादी उस इंसान से, यू नो इट्स लाइक 80% चांस है कि आपकी उसी इंसान से शादी हो. अगर आप पॉजिटिव हो तो 100% होगा, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो देन 80% उन लोगों के लिए जो कभी पॉजिटिव होते कभी वो. अगर आप वर्कआउट करो इन चीज़ों के ऊपर और अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू करो तो चीज़ें हो सकती हैं. लेकिन बल्कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि 100% लोगों की, क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग अगैन. तो बट येस, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, तो लेट इट बी 100% देन. सो ये चीज़, और मुझे लगता है कि आप लोगों की विश पूरी होगी. जिन लोगों को यकीन है अपनी दुआ पे, उनको उनकी दुआ का जो है वो उनकी दुआ ग्रांट की जाएगी, उनकी दुआ पूरी होगी बाय द हेवेंस. ठीक हो गया. आपकी मैरिड लाइफ इस इंसान के साथ कैसी रहेगी? जिन लोगों की भी शादी उस इंसान से होगी, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद और एक गाइडेंस लेंगे. So, let's see. Wow. देखो, अगर आप अभी भी नेगेटिव सोचते हो तो चेंज कर सकते हो आप अपने आप को. यू नो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो हमेशा इस तरह से सोचती हूँ, दैट मीन्स कि मेरी शादी नहीं होगी उस इंसान से. हो सकती है स्टिल, लेकिन अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ, खुद को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर. इनडिसाइसिव होना छोड़ दो. एक और चीज़ मैंने अक्सर नोटिस की है पर्सनल रीड्स में भी और अदरवाइज भी, कि आप यू नो अक्सर लोग खुद भी काफ़ी हद तक इनडिसाइसिव होते हैं, क्योंकि उनको स्पेशली अगर दो लोगों से डील कर रहे हो, एक पास्ट का पर्सन है, एक न्यू पर्सन है, तो आप खुद भी इनडिसाइसिव होते हैं, इसलिए वो फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती. सो एक तो अपना फुल डिसीजन करना पहले, सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद स्टिक करना उस डिसीजन पे, क्योंकि अक्सर लोग डिसीजन ले लेते हैं देन दे कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ. वो चीज़ जो है वो वर्कआउट नहीं करेगी. सो देखते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी आपके पर्सन के साथ कैसी रहेगी.
ये क्वेश्चन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनकी शादी आपके स्पेसिफिक समवन से हो रही है. आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी इस इंसान के साथ कैसी रहेगी. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफैंट. जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक का फेज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वंस इट हैपेंस उसके बाद सारी चीज़ें खुशी खुशी और अच्छी अच्छी और पॉजिटिव होंगी. सो मुझे लगता है कि आपका यू नो एक जो फेज़ है फ्रॉम नाउ टू द टाइम कि आपकी शादी हो वो काफ़ी मुश्किल रहेगा मेजॉरिटी के लिए. यू नो आपके लिए शायद ब्रेकअप्स और यू नो पैचअप बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वंस इट हैज़ हैपेंड उसके बाद कोई परेशानी या कोई मुश्किल नहीं आएगी आप दोनों के दरमियान में. इट विल बी अ हैप्पी मैरिड लाइफ. देखते हैं ओरेकल क्या मैसेज कहता है आप लोगों के लिए इस पूरी सिचुएशन में. अनरिक्विटेड लव, काफ़ी दफ़ा आप लोगों का ब्रेकअप होगा, आप लोगों का लगेगा कि कनेक्शन के अंदर जो है वो केमिस्ट्री है ही नहीं, आपको लगेगा आपके पर्सन को लगेगा. नाउ हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अपने पर्सन के साथ, वो भी एक यू नो सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप बार बार एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करो एंड देन आ जाके फिर एक दूसरे के पास आओ. दूसरी चीज़ अगैन आपको एक फियर होना कि यू नो शायद वो मुझे प्यार नहीं करता या शायद वो मुझे प्यार नहीं करती, शायद ये शायद वो, जो आपको फियर्स होंगे वो आपको इस लेवल पे ले आएंगे जहाँ पे आपको आप हर चीज़ को क्वेश्चन करोगे. मेक श्योर कि आपका आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर तो मस्त काम करो, चाहे आपकी सारी लव लाइफ में अच्छा चल रहा है राइट नाउ विद योर स्पेसिफिक समवन, चाहे अच्छा जिनकी जिनकी लव लाइफ परफेक्ट चल रही है राइट नाउ, इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि हो सकता है कि फैमिलीज के इश्यूज़ हों टू एक्सेप्ट द प्रपोजल. हो सकता है उसमें रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है इस तरह के इश्यूज आप दोनों के दरमियान में आ जाएं, लेकिन इन दैट सिचुएशन टू अगर आप दोनों के दरमियान में एज अ बॉयफ्रेंड एज अ गर्लफ्रेंड आप दोनों के दरमियान में सारा कुछ पॉजिटिव है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है जब तक आपकी शादी नहीं होगी वो टाइम आपका मुश्किल होगा. वंस इट हैज़ हैपेंड इट विल बी अ परफेक्ट मैरिड लाइफ. अच्छा काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका जिनकी शादी नहीं होगी उनके लिए आपका कनेक्शन हो सकता है काफ़ी हद तक सिर्फ सेक्सुअल हो, और अगर ऐसा था तो मे बी इट वॉज अ कामिक कनेक्शन फॉर द फॉर दोज ऑफ यू. एक और कार्ड लेंगे, ट्रस्ट. ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगैन कुछ लोगों के लिए गाइडेंस, मुझे लग रहा है गाइडेंस जो है वो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जो मुझे लग रहा था कि बेसिकली उनके लिए नहीं है. मे बी यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. जो भी यू नो लाइक आई सेड मुझे लगता है कि चीज़ें टाइम लेंगी, लेकिन अगर आपको यकीन है तो वो डेफिनेटली होगा. एक और कार्ड लेते हैं इस वाले डेक से एंड देन वी आर डन फॉर दिस रीडिंग. यू हैव अ बॉन्ड विद चिल्ड्रेन, इन पर्टिकुलर यू कैन हेल्प चिल्ड्रेन हु आर सेंसिटिव. अगर आप अपनी लव लाइफ में आसानियां लाना चाहते हो तो मे बी आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो पॉजिटिव. अच्छा मे बी चैरिटी डोनेशंस, बी काइंड एंड यू नो जेनरस टू पीपल टू किड्स, वो भी आप कर सकते हो. उसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोगों की लव लाइफ में बच्चों की वजह से थोड़ा डिलेज हो. यू नो हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप यू नो दोबारा किसी और से शादी करना चाहते हो तो हो सकता है कि बच्चों की वजह से आपकी थोड़े इश्यूज़ आएँ. अगैन मेक श्योर कि आप बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो एंड देन डिसाइड करो आपको क्या करना है. एक और कार्ड लेते हैं, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस. बी क्लियर अबाउट वट यू डिज़ायर एंड फोकस अबाउट इट विद अनवेवरिंग फेथ. अगैन ट्रस्ट एंड फेथ का इशू मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप ट्रस्ट रखो और अगर आपको बिलीव हो खुद पे आपके कनेक्शन पे देन आपका आपकी शादी उससे हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं है अगर फियर है डाउट है देन बहुत मुश्किल है कि आपकी शादी आपके स्पेसिफिक समवन से हो. मुझे यू नो ये जो ओरेकल गाइडेंस है उस कार्ड्स के हिसाब से तो लग रहा है कि मे बी कुछ लोग होंगे जिनकी शादी उनसे होगी, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए गाइडेंस जो है वो उसी सिचुएशन पे आ रही है जहाँ पे शायद आप लोग फियरफुल हो. ये एनर्जीज देख के मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी की जो है वो शादी हो जाएगी. सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सो या ये थी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया हो गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.